तो हेलो गैस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गैस, आपने जो स्टार्ट में हालो ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो देखे, इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे लाइट मोशन ऐप के ऊपर, तो गैस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। तो चले गैस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस, आपने सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने वीडियो रेशियो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपने 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है। और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने लाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा। तो गैस, आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जो नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऊपर सेकंड नंबर पर मीडिया का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो पर आपने इस तरीके से हाल ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। तो गैज, इस तरह की वीडियो हम कैपकट ऐप के ऊपर बना चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप वहाँ उसको वॉच कर ले सकते हैं, ठीक है। तो चले गए, हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो गैज, यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लैक इफेक्ट इस वीडियो के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो नीचे प्लस का ऑप्शन है, अपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने स्क्वायर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसको अपने दोनों फिंगर की मदद से इसी तरीके से जूम आउट करना है। और यहाँ पर नीचे कलर एंड फिल का ऑप्शन है, अपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इस ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने बैक आने, और यहाँ पर जो ब्लेंडिंग ऑप्शन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो डिफेंस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर पर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से रेड हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने इस वीडियो के ऊपर तीन इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो नीचे इफेक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऊपर सर्च बार में आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सर्च करना है CO। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर पर कॉपी बैकग्राउंड का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। और फिर से आपने सर्च बार में आने, और यहाँ पर सर्च में आपने टाइप करना है जी। और यहाँ पर ये जो ग्लेशियर इनवर्ट का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लास्ट इफेक्ट अप्लाई करना है, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। और आपने फिर से सर्च बार में आने, और यहाँ पर आपने टाइप करना है EX। और यहाँ पर ये जो एक्सपोजर गामा का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस, आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो ग्लेशियर इनवर्ट है, आपने इसके सेटिंग पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है, इसको आपने यहाँ पर जो है ना अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है ना हम 0.665 तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने बैक आने, और नीचे एक्सपोजर गामा के इफेक्ट है, आपने इसके सेटिंग पर क्लिक करना है। और ऊपर जो एक्सपोज का ड्यूरेशन है, इसको आपने यहाँ पर -0.50 तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक्सपोज का ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर 0.805 तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और नीचे जो ऑफसेट का ड्यूरेशन, इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। तो गैस, आपने यहाँ से बैक आने, फिर से बैक आने, और आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने, और आपने यहाँ पर फिर से स्क्वायर को सेलेक्ट करने, और फिर से आपने इसी तरीके से जूम आउट करने, और आपने कलर एंड फिल में आ जाने, और यहाँ पर आपने व्हाइट कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने बैक आने, और फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन का ऑप्शन है, फिर से आपने इस पर क्लिक करने। और यहाँ पर आपने नीचे आना है कंट्रास्ट में, ठीक है, कंट्रास्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर ओवरले का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो में पूरे तरीके से ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो गैस, आप वीडियो को देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना अमेजिंग हो चुका है। तो गैस, यहाँ पर बारी आता है हालो ब्लर की। तो सबसे पहले जो राउंड रेक्टेंगल 1 का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने एंड में जाने, और यहाँ पर ये जो ऊपर ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और फिर से आपने रेक्टेंगल 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर से स्टार्ट में आना, और फिर से ऊपर ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गैस, आपने यहाँ पर हालो ब्लर कैसे ऐड करना है, अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करने, नीचे इफेक्ट पर आपने क्लिक करने, एड इफेक्ट पर क्लिक करने। और यहाँ पर ये जो नीचे ब्लर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करने, ठीक है। और यहाँ पर लीनियर स्ट्रिक का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करने। नीचे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग पर आपने क्लिक करने, ठीक है। तो गैस, आपने यहाँ पर बहुत गौर से देखना है, ठीक है। तो गैस, यहाँ पर ये जो की का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ पर स्टार्ट में लगाना है। और यहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा सेकंड के लिए प्ले करने है, ठीक है। आपने यहाँ पर 2 या 3 सेकंड के लिए वीडियो को प्ले करने, और फिर से आपने इस की वाले ऑप्शन पर क्लिक करने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक के ऊपर वीडियो को रखना है। तो गैस, यहाँ पर ये जो नीचे स्टैंड का ड्यूरेशन है, इसको आपने यहाँ पर 0-0 करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट में लेके आना है। और यहाँ पर ये जो स्टैंड का ड्यूरेशन है, इसको आपने यहाँ पर 0.05 तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और गैस, यहाँ पर ये जो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, और आपने इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो नीचे एंगल का ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर 45 डिग्री तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को देख सकते हैं, इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और फिर से आप 3 डॉट पर क्लिक करने, और फिर से आपने डुप्लीकेट पर क्लिक करने, और यहाँ पर आपने फिर से थर्ड वाले इफेक्ट पर क्लिक करने। और यहाँ पर ये जो एंगल का ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर 90 डिग्री तक एडजस्ट करने, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चले गए, हमारे साथ एडजस्ट हो गया है। तो फाइनली गैस, हमारा जो वीडियो कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो गैस, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लर इफेक्ट को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी वीडियो पर ब्लैक इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से।
तो आपने इसी तरीके से इस तरह की हाल और ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो एलर्ट मोशन ऐप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज मैंने आपको सिंपल तरीके के साथ आपको बताया। तो गैस अगर आप भी इस तरह की वीडियो कैपकट ऐप के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय।